अमृतसर रेल हादसे में नया मोड़, पुलिस ने दी थी रावण दहन की मंजूरी। पंजाब के अमृतसर में हुए भीषण रेल हादसे में नया मोड़ आ गया है। इस हादसे से रेलवे और स्थानीय प्रशासन बेशक पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि दशहरा कमेटी ने बाकायदा खत लिखकर पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। साथ ही पुलिस ने दशहरा कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी भी दी थी। अमृतसर ट्रेन हादसे से पाकिस्तान भी है दुखी, क्रिकेटर अफरीदी ने जताया शोक। दशहरे के दिन अमृतसर में ट्रेन की चपेट में आने वाले लोगों की मौत के बाद पूरा देश सहम उठा है। हादसे में 60 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड जगत तक ने शोक व्यक्त किया। इस खबर पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। महिला के सबरीमला पहाड़ी की चढ़ाई करने की अफवाह के बाद विरोध शुरू। तमिलनाडु की 50 वर्ष से कम उम्र की एक महिला के सबरीमला पहाड़ी चढ़ने की अफवाह के बाद सन्निधानम के पास भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बारामूला में सेना का डबल अटैक, एक दिन में जवानों ने 6 आतंकी किए ढेर। बारामूला में आतंकियों ने घात लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी ढेर कर दिए। इससे पहले सुबह ही 4 आतंकवादियों को एलओसी के पास मार गिराया गया था। इस तरह करीब 6 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। राफेल मामला, अनिल अंबानी ने 15 मीडिया कंपनियों के खिलाफ ठोका मुकदमा। राफेल डील को लेकर अनिल अंबानी की कंपनी ने रिलायंस ग्रुप ने 15 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय मीडिया हाउस और पत्रकारों के खिलाफ अहमदाबाद के सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इन सभी पर आरोप लगाया है कि इन्होंने राफेल विमान सौदे के संबंध में जो लेख प्रकाशित किए वो अपमानजनक और पूरी तरह से झूठे हैं। फरीदाबाद में एक और बुराड़ी कांड, परिवार के 4 लोगों ने की खुदकुशी। फरीदाबाद के दयाल बाग कॉलोनी के एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वालों में 3 बहनें और एक भाई है। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन चुकाएंगे यूपी के किसानों का कर्ज। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश के 850 किसानों का कर्ज चुकाने का ऐलान किया है। अमिताभ ने अपने ब्लॉग के जरिए किसानों के कर्ज चुकाने के फैसले की जानकारी दी। पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा देश के चौकीदार ने ही करवा दी चोरी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य का दौरा किया। साथ ही राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी हर धर्म और जाति के लोगों को लड़वाते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने ही चोरी करके दिखा दी। फिर कलम की घोषणा करने वालों को अल्पेश की चुनौती, कहा हिम्मत है तो आ जाओ। गुजरात में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से मारपीट को लेकर कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर विवादों में घिरते जा रहे हैं। अब ठाकुर ने उनका सिर काट कर लाने वालों को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा के बाद खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वह रात को 12 बजे भी अकेले घूमते हैं और जिसे उन्हें मारना हो वह आ जाए। जहरीली हुई दिल्ली की हवा, आसमान में बिछी धूल की चादर। राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली को धुंध ने घेर लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 337 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है और यह इस मौसम का सर्वोच्च सूचकांक है।